जो भी नंबर, जो भी मूलांक है आपका, जो भी आपका साइकिक नंबर है, बर्थ नंबर है, ये आपको रूल करता है। और अगर आप इसके बेसिक नेचर को, इसके बेसिक एसेंस को समझ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ के डिसीजंस को लेते हैं या फिर इसके फेवर्स को अट्रैक्ट करने वाली रेमेडी करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो प्लैनेट और वो अबंडेंस, वो हेल्थ, वो रिलेशनशिप्स, वो प्रोग्रेस, वो सब कुछ आपको मिलता है। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रोरन पंडित यूट्यूब चैनल के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी रेमेडी है जो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और अबंडेंस के लिए। एक से लेकर 9 तक की सभी रेमेडीज में आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस्ट्रोरन पंडित चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं आपको अक्सर न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोस देता रहूं। सो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इन रेमेडीज की जरूरत ही क्या है। इंसानी दिमाग है, बिना किसी प्रॉफिट के काम नहीं करता ये, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर्स आपको देखते हैं, ये सारे नंबर्स आपके लिए कुछ कहते हैं। इसमें भी जो स्पेशल नंबर है वो है आपका मूलांक। मूलांक यानी कि वो डेट, जिस डेट को आपने जन्म लिया, वो एक तारीख हो सकती है, 14 तारीख, 15, 20, 26, कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर 31 के बीच में। ये जो डेट है इसे मूलांक बोलते हैं। मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच में ही होते हैं, लेकिन अगर आपका डेट 24 है, 25 है, 26 है या ऐसा ही कुछ है जो डबल डिजिट में है, तो फिर क्या आपको इन दोनों डिजिट्स को आपस में ऐड करके सिंगल डिजिट लानी पड़ती है। जैसे अगर आपका 24 पे बॉर्न हुए हैं तो आपका जो मूलांक होगा वो 2+4=6 हो जाएगा। 31 को बॉर्न हुए तो 3+1=4 आपका मूलांक हो जाएगा। मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे इसको देख के समझ सकते हैं। सो रेमेडीज डिस्कस की जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक के मूलांक में, जिसमें इस दुनिया के सभी लोग कवर हो जाएंगे। ओके, पहला चीज क्या होने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल गया, क्यों होने वाला है। जो भी नंबर, जो भी मूलांक है आपका, जो भी आपका साइकिक नंबर है, बर्थ नंबर है, ये आपको रूल करता है। और अगर आप इसके बेसिक नेचर को, इसके बेसिक एसेंस को समझ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ के डिसीजंस को लेते हैं या फिर इसके फेवर्स को अट्रैक्ट करने वाली रेमेडी करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो प्लैनेट और वो अबंडेंस, वो हेल्थ, वो रिलेशनशिप्स, वो प्रोग्रेस, वो सब कुछ आपको मिलता है। हर एक नंबर अलग अलग प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, हर एक व्यक्ति अलग अलग विचार और अलग अलग थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। हर इंसान जो पैदा हुआ इस धरती पर डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए नहीं पैदा हुआ है, IPS IAS बनने के लिए नहीं पैदा हुआ है, कुछ बिजनेसमैन बनने के लिए पैदा हुआ है, कुछ पॉलिटिक्स करने के लिए पैदा हुए हैं, और हमें बस यही समझाता है हमारा मूलांक। तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझे, और ये रेमेडी जो अगर आप अपने मूलांक से करते हैं तो ये चीज आपको उसी के साथ कनेक्ट करता है जिस प्लैनेट से आप रूल होते हैं। जिस वक्त आप उस प्लैनेट से कनेक्ट हो जाएंगे, सिंक में ले आएंगे उसकी एनर्जी अपने लाइफ में, आपके साथ अच्छा अच्छा ही होने लग जाता है। सो आई गेस आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि रेमेडीज बहुत सिंपल है, बहुत सुबर है, कोई खर्चा नहीं होने वाला आपका। बस ये रेमेडीज आपको आपके जो मूल अंक है, मूलांक है, उसके करीब पहुंचाने के लिए डिस्कस की जा रही है। ओके, सो अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है, तो आपको जो प्लेनेट रूल करता है वो है सूर्य। आपका जो नेचर है वो सूर्य की तरह होता है। सूर्य ने आज तक दुनिया में हमेशा दिया है, आप भी देते हो, आप गिवर हो। सूर्य चमकता है, बीच में है, आप भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की चाहत रखते हो या फिर बार बार बन जाते हो। सूर्य हर प्लेनेट का राजा है, दैट इज वाई यू ऑल्सो हैव अ रॉयल लाइफ स्टाइल एटीट्यूड इन। सो आपको जो रेमेडी करनी है वो है आपको हर दिन सूर्य को थोड़ा समय देना है। आपके पिता समझ लीजिए, परम पिता परमेश्वर समझ लीजिए उनको, पर उनको थोड़ा समय दीजिए, यानी कि सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताइए, 10 मिनट 15 मिनट काफी है आपके लिए। सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। और अगर आपका मूलांक 1 है तो कुछ ना कुछ कॉपर का आपकी बॉडी में होना चाहिए। कॉपर का छल्ला या अंगूठे में या फिर किसी भी रिंग में डाल दीजिए, स्पेशली अगर रिंग फिंगर में डालते हैं, सूर्य की उंगली में डालते हैं तो बहुत अच्छा है। कॉपर का कड़ा पहन सकते हैं, कॉपर के गिलास में पानी पी सकते हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए है। अब अगर आपका मूलांक 2 है, यानी कि आप किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक 2 होता है। आप रूल होते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा मून मन की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, इमोशनल प्लेनेट है। आप परिवार को बहुत ज़्यादा अहमियत देते होंगे। जब लोग आपसे बात करते हैं तो वो हील हो जाते हैं, क्योंकि आप एक हीलर हैं। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि आप आगे क्या होने वाला है और ये व्यक्ति कैसा है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए पहले से ही भाप जाते हैं। सो दैट इज़ वाई यू आर हीलर, यू आर नर्चरर, यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, और आपके साथ लोगों का जुड़ने का मन करता है बिकॉज यू आर वेरी ऑनेस्ट बाई हार्ट।
अब आपके लिए जो स्पेशल रेमेडी, जैसे नंबर वन वालों को सूर्य के साथ समय बिताना है, आपको अपने प्लेनेट चंद्रमा की रोशनी में यानी चांदनी में समय बिताना है। और स्पेशली अगर पूर्णिमा का दिन है तो ज़रूर 5-10 मिनट जाइए अपनी छत पे या फिर जहाँ पर भी चंद्रमा की रोशनी है वहाँ पे घूमिए टहलिए। और याद रखिएगा कि इसमें मोबाइल नहीं चलाना है आपको, बस या तो चंद्रमा को निहारिए या तो उसकी रोशनी में कुछ चिंतन मनन कीजिए। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप थोड़ा सिल्वर अपने वॉलेट में रखना शुरू कीजिए या सिल्वर की चेन पहन लीजिए, क्योंकि चंद्रमा चांदी में बसता है और चांदी जब आप पहनते हैं या चांदी के गिलास में पानी पीते हैं तो वो तत्व आपकी बॉडी के ऊपर और अंदर दोनों ही एंटर करता है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका मूलांक 3 है, यानी आप किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 3 माना जाता है। नंबर 3, जब से पैदा होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, इन्हें मेहनत से क्या चीज़ें पानी है क्लियर होता है और ये मेहनत करने से कभी हिचकिचाते भी नहीं है। 3 नंबर वाले खुददार होते हैं। 3 नंबर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ वाई ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं। ये जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं उससे 2-4 फील्ड के और के इंटरेस्ट इनके पास रहता है और हर समय कुछ ना कुछ बात करने का टॉपिक इनके पास रहता है। कई बार ये इतने वर्कहोलिक हो जाते हैं कि अपने फैमिली को भी टाइम देना भूल जाते हैं और यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। नंबर 3 बहुत पावरफुल नंबर है। नंबर 3 मनी मेकिंग का नंबर है। नंबर 3 अर्थ या फिर नंबर 3 कहें तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं उसमें जो बड़े बड़े सीईओज या मैनेजर हैं वो नंबर 3 वाले अक्सर हो जाते हैं। जुपिटर की रेमेडी आपको करनी चाहिए। जुपिटर की रेमेडी क्या है? सबसे पहले तो आपको कच्ची हल्दी अपने वर्क डेस्क पे, अपनी कार में, हर जगह लक्ष्मी हल्दी, ये सब आप कच्ची हल्दी या लक्ष्मी हल्दी इनमें से कुछ भी आप रख सकते हैं। जब भी नहा रहे हो तो हल्दी एक चुटकी उसमें डाल दीजिए और उस पानी से नहाइए। आप येलो कलर को अपने पास सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर का हैंकी रुमाल रख सकते हैं अपने पास। साथ ही साथ आप पीले चंदन का तिलक लगाना शुरू करिए, आपको देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, मूलांक 4, यानी आप किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को आपका जन्म होता है तो आपका मूलांक हो जाता है नंबर 4। अब ये बड़ा ही मिस्टीरियस नंबर है, इसे राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु एक्चुअली प्लैनेटरी सिस्टम में कोई प्लैनेट होता नहीं है। मून की जो शैडो होती है और जो नॉर्थ साइड में मून की शैडो पड़ती है उसे राहु बोलते हैं, साउथ साइड में मून की जो शैडो पड़ती है उसे केतु बोलते हैं। इंग्लिश में इन्हें शैडो प्लैनेट्स बोला जाता है, हिंदी में इन्हें छाया ग्रह बोला जाता है। नंबर 4 बड़ा ही मिस्टीरियस प्लैनेट रहता है। नंबर 4 के लोग अक्सर लाइफ में बहुत परेशान रहते हैं, अक्सर। बहुत सारे नंबर 4 को मैं जानता हूं क्योंकि मैं कंसल्टेशन अक्सर लेता रहता हूं। जो भी नंबर 4 आता है तकलीफ में होता है क्योंकि मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं बहुत जल्दी, इनको कोई समझ नहीं पाता है, ज़िंदगी का एक बहुत हिस्सा निकल जाता है पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होता जो इनके इमोशंस को या फिर इनके थॉट प्रोसेस को समझे, बिकॉज दे आर वेरी ओरिजिनल पर्सन। इनके आइडियाज़ जो आते हैं वो आइडिया कोई और नंबर ला ही नहीं सकता है। कितनी भी क्रांतियां हुई हैं इस दुनिया में जिन्होंने चीज़ें बदल दी हैं वो नंबर 4 से रिलेटेड हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 2020 को देख लीजिए, जोड़ने पे 4 आता है। 2020 के बाद दुनिया जो बदली है वो सदियों से नहीं बदली थी। लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए, लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम, ऑन वर्क फ्रॉम होम जैसी लाइफस्टाइल को अपना लिया, लोगों ने फैमिली की वैल्यूज़ को समझ लिया। तो नंबर 4 रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इनके साथ दिक्कत क्या होती है, ये आइडियाज़ तो अच्छे जनरेट करते हैं पर जब उन पर काम करने लग जाते हैं तो ये मात खा जाते हैं। नंबर 4 आपके पास बॉडी नहीं है, राहु का हेड होता है सिर्फ, बॉडी नहीं होती, तो आप काम करने के लिए हाथ पैर या मजदूरी करने के लिए नहीं बने हो, आप दिमाग से काम करने के लिए बने हो। आप हमेशा दिमाग वाली चीज़ में सक्सेस पाओगे। दैट इज़ वाई आपके लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो है, सबसे पहले तो गणेश जी पूजा करनी है आपको। राहु के कर्ता धर्ता गणेश जी हैं, किसी भी रूप में गणेश जी की पूजा करिए। अपने गले में गणेश जी की कोई प्रतिमा या लॉकेट भी पहन सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, लेकिन जो मेन रेमेडी है वो है मेडिटेशन। आपको निद्रा योग जैसी चीज़ें करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। आप जितना अपने फोकस को इंक्रीज करोगे लाइफ में उतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे आप। दूसरी रेमेडी आपके लिए ये है, आइडियाज तो जनरेट करो पर कोशिश करो कि आपके लिए काम कोई और करे। वो आपका स्पाउस हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप खुद से मेहनत वाला काम छोड़ के सिर्फ दिमाग वाला, थिंक टैंक वाला काम करो। ओके, बहुत सारी बातें हो गई नंबर 4 के बारे में। नाउ मूविंग ऑनवर्ड, मेरा फेवरेट नंबर, नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। नंबर 5, अगर आप किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक हो गया नंबर 5। नंबर 5 बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, मरकुरी। मरकुरी होता है, ऐसे लोगों को एंगर बहुत होता है, गुस्सा बहुत आ जाता है अगर इनके अकॉर्डिंग चीज़ें ना चलें। लेकिन ऐसे लोग मनी कैसे बनाया जाता है, पैसा कैसे बनाया जाता है ये भी बहुत खूबी जानते हैं। पैसा बनाना जानते हैं पर पैसा खर्चा करना नहीं जानते, अपने ऊपर भी पैसा नहीं खर्चा करते। अपने हस्बैंड वाइफ के ऊपर खर्च कर देंगे, अपने फैमिली के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर खर्च कर देंगे, पर शायद अपने ऊपर कभी खर्चा ना करें। हाँ, लग्जरी का शौक होता है पर लग्जरी पूरी करते हैं इनके आस पड़ोस वाले लोग इनके लिए। ये शायद पैसा कैसे बनाता है इसमें माहिर है, पैसा कैसे खर्च किया जाता है इसमें माहिर नहीं होते हैं। नंबर 5 कई सारी चीज़ें और लेकर आता है, आपको पेट से संबंधी प्रॉब्लम दे देता है। नंबर 5 आपको हेडेक की प्रॉब्लम दे देता है, गैस की प्रॉब्लम दे देता है। आपके लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है नंबर 5 वो है ग्रीन कलर का यूज़।
आपको ग्रीन कलर पहनना चाहिए। ग्रीन कलर का एमराल्ड आपको बहुत सूट करेगा। साथ ही साथ बुद्ध यंत्र को अपने मंदिर में स्थापित करके ओम बम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप 11 बार करो, सिर्फ डेली 11 बार करो। आप देखोगे कोई भी बिजनेस बिना बुद्ध के चला नहीं है, किसी की बुद्धि बिना बुद्ध के प्रभाव से अच्छी नहीं हुई है। बुद्ध ही बुद्धि है, बुद्ध ही बिजनेस है, ठीक है। सो नंबर 5 बहुत पावरफुल नंबर है। आप देखेंगे जब न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 आता है तो 5 बीच में आता है, 4 इधर होते हैं, 4 इधर होते हैं, दैट इज व्हाई नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ बैलेंस। तो आप लोग बैलेंस बनाने वाले लोग हैं, आप अपने फैमिली को बांध के रखने वाले लोग हैं, अपने लाइफ में हर चीज मुकाम हासिल कर लेंगे अगर आप इस उपाय को जो मैंने बताया इसको अपनी लाइफ में आजमाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 यानी आपका बर्थ अगर किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 हो जाता है। 6 रिप्रेजेंट करता है शुक्र ग्रह को, वीनस को। अब वीनस जो कुछ देता है वो हम में से हर किसी को चाहिए होता है। वीनस देता है आपको लग्जरी। लग्जरी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लग्जरी में मकान, कार, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छे गोल्ड की ज्वेलरीज, आईफोन, ये जितना भी आप सोच सकते हो ना, महंगी चीज़ें, गुड्स, चमकीली चीज़ें, ये सब कुछ वीनस में आती है। वीनस प्लैनेट अपने आप में अगर आप उसको कभी नेट पे सर्च करो सबसे चमकीला प्लैनेट है, खूबसूरत प्लैनेट है। दैट इज़ वाई नंबर 6 रिप्रेजेंट ब्यूटी। नंबर 6 ऑल्सो मैंने जितने भी नंबर 6 वाले लोग देखे अधिकांश यानी 80% लोगों को मैं देखता हूँ, इन लोगों को 6 दोस्त मिलते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, बट एक समय के बाद सब लोग इनको छोड़कर चले जाते हैं। बिकॉज इनको लोग एक समय के बाद जिनसे दोस्ती होती है या रिलेशनशिप हो जाती है और अगर आपका मूलांक 6 है तो आपको लोग हल्के में लेने लग जाते हैं, आपकी बातों से लोग बोर होने लग जाते हैं, दैट इज वाई आपको लोग जल्दी छोड़ के भी चले जाते हैं। एंड 30s के आसपास या कभी 28 के आसपास जब आप पहुंचते हैं अपनी लाइफ में अकेले हो जाते हैं। सो नंबर 6 आपके लिए पहली रेमेडीज, तो मैं प्रैक्टिकल रेमेडी बता देता हूं। आप बहुत जल्दी अपनी बातें डिस्क्लोज कर देते हैं लोगों को, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, सब बता देते हो। मत बताओ, चुप बैठे रहो, ठीक है। आप जितनी जल्दी चीज़ें डिस्क्लोज करोगे अपनी मिस्ट्री खत्म कर देते हैं आप, दैट इज़ वाई लोगों को आपके बारे में जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। फिर आप उनको कुछ नया बता नहीं पाते हो तो उनको लगता है कि मैं क्यों रखूँ इसके साथ दोस्ती, कहीं जहाँ और मज़ा आ रहा वहाँ चले जाता हूँ। पहली चीज़ आप ये करिए। दूसरी चीज़, आप वैसे तो टिप टॉप रहते होगे क्योंकि वीनस का इफेक्ट है आपके ऊपर, बट मैं कहूँगा खश का इत्र। खश का इत्र बहुत लोग नहीं जानते क्या होता है, आप गूगल करो KHAS खश, आपको पता चल जाएगा कि खश का इत्र, इत्र मतलब परफ्यूम होता है, लगाने वाला परफ्यूम होता है। कान के पीछे, दोनों कानों के पीछे आपको खश का इत्र लगाना चाहिए। गुलाब का इत्र भी आप लगा सकते हैं, रोज का परफ्यूम भी आप लगा सकते हैं। कुल मिला के आप महकते रहिए, शुक्र अपने आप बलवान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 7 की, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को हुआ है तो आप नंबर 7 यानी कि केतु से रूल होते हैं। केतु बड़ा ही गजब का प्लेनेट है। अकल्ट साइंस में अगर केतु का प्रभाव नहीं है आपके ऊपर तो आप कभी भी अकल्ट साइंस में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। अकल्ट साइंस मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रीकी, ग्राफोलॉजी, जितने भी इस तरह के साइंस हैं जिसमें प्रिडिक्शन की जाती है, लोगों को हील किया जाता है, वो सब कुछ आ जाता है। नंबर 7 अगर आपके पास है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी दिख रहा है नंबर 7, देन यू हैव अ फेवर ऑफ केतु। केतु कमर के नीचे वाले पार्टों में बीमारियां भी देता है, आपको अक्सर कमर में दर्द या फिर घुटनों में दर्द आ जाता है, स्पेशली जब आप थोड़े ओल्ड एज की तरफ जाते हैं। नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, जैसे राहु के पास बॉडी नहीं है, केतु के पास हेड नहीं है, आपके पास ये सर नहीं होता, सिर्फ धड़ होता है, यानी कि केतु हर उस चीज को देखता है जो आंखों से नहीं दिखाई देती है। आंखों से आमतौर पे जो कुछ दिखाई देता है केतु का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। केतु का इंटरेस्ट है परालौकिक चीजों में, स्पिरिचुअल चीजों में, रिलीजियस चीजों में। दैट इज वाई यूजुअली जो नंबर 7 के लोग हैं, मूलांक 7 है, थोड़ा रिलीजियस होते हैं, थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका जो प्रभाव है वो बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है। आपको भी गणेश जी की पूजा करनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको दूसरी चीज जो वो करनी है, माता दुर्गा की 40 आप हमेशा पढ़िए। अगर माता दुर्गा की 40 किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको अपने दोनों थम्स में सिल्वर पहनना चाहिए। ये आपके फोकस को बरकरार रखता है। आपको भी निद्रा योग बहुत सूट करेगा, आप भी निद्रा योग ट्राई करिएगा। क्या होता है निद्रा योग, गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को हुआ है। यूजुअली इस नंबर को बड़ा ही अनलकी समझा जाता है। यूजुअली ये नंबर बहुत स्ट्रगल कराता है, स्पेशली 30 साल के जब तक आप होते हो आपको बड़ा स्ट्रगल कराता है, बड़े ही रंग दिखा देता है दुनिया के भी और लोगों के भी। दैट इज वाई मैं स्पेशली जितने भी नंबर 8 वालों से अपनी लाइफ में मिला हूँ, बहुत हम्बल होते हैं, इतना प्यारा नेचर होता है इनका, क्योंकि ये समझते हैं कि कष्ट क्या होता है, ये समझते हैं दुख क्या होता है, ये समझते हैं डिले और ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स क्या होते हैं। डेट इज़ वाई ये अपनी तरफ से किसी और को कष्ट नहीं देना चाहते हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं लोगों से, और इनसे बात करके हमेशा अच्छा लगेगा। नंबर 8 जो मैंने देखा, हमेशा मल्टी टैलेंटेड लोगों को देखा है, ये जिस भी फील्ड में है, जिस भी जॉब में है, उससे अलावा इनकी किसी ना किसी चीज़ में स्किल डेवलप होती है। कोई भी काम इनको सिखा दो ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, काम आप इनसे
कभी भी करवा लो। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे होते हैं। नंबर 8 शनि का नंबर है, जज बोला जाता है शनि को, कर्म फलदाता बोला जाता है शनि को। एक चीज़ और बता दूं नंबर 8 वालों, किसी ने पैसा प्राप्त नहीं किया जीवन में बिना शनि की मदद के। शनि जीवन में नहीं है, पैसा नहीं आता है, और शनि जब आ जाते हैं तो डिले करा देते हैं। शनि हमेशा चाहते हैं कि आप मेहनत करके प्रूव करो अपने आप को, मैं तो इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ जितना आपने इमेजिन भी नहीं किया है। सो नंबर 8, आपको शायद थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा हार्डवर्क अपनी लाइफ में करना पड़ेगा, पर वो सब कुछ वर्थ इट है। वो सब कुछ इतना मज़ा देकर जाएगा, शायद वो और किसी नंबर को नहीं देगा। आपको जो काम करना है, सबसे पहला काम, आपको किसी का 10 रुपये का भी धोखाधड़ी नहीं करना है। आपके जो जूनियर हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, इनकी जितनी आप मदद कर सको मदद करो। मदद का सेंस मैं समझा दे रहा हूँ आपको, जैसे आप किसी ठेले वाले के पास, सब्जी वाले के पास जाते हो, कहता है 50 रुपये का सब्जी है, 50 रुपये दे दो। मत करो मोल भाव, क्या करोगे 5-10 रुपये बचा के? आप उसको दोगे जितना पैसा उसने मांगा है, आपका शनि मजबूत होगा। आपके घर में कोई लेबर कर्मचारी, कोई मेड काम करती है, आप उन्हें चाय पिलाइए, आप उनको खाना खिलाइए, ठीक है? ये लोग जितना खुश रहेंगे ना आपसे, आपका शनि उतनी तेज़ी से मजबूत होगा। आपको बस इतना उपाय करना है कि आपके जो जूनियर हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, इवन आपके जो छोटे भाई हैं, कज़न ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, इनकी हेल्प किया करिए। इवन नॉलेज शेयरिंग से हेल्प कर सके, बहुत अच्छा है, शनि मजबूत हो जाएगा। ओके, सो ये थी नंबर 8 की रेमेडी। बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट नंबर, नंबर 9 के बारे में, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को हुआ है तो आप हैं नंबर 9। आप मंगल से रूल होते हैं मार्स। नंबर 9 एक कंप्लीट नंबर है, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लगभग 1 से लेकर 8 तक के सभी के एट्रीब्यूट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। नंबर 9 इज़ अ पावर हंग्री नंबर। आपको लाइफ में पावर चाहिए होती है, अक्सर देखा गया है कि आपको पावर थोड़ी पसंद भी आती है। अब पावर कहाँ मिलती है? सिंपल सी बात है, पॉलिटिक्स में मिलती है पावर आपको। बिल्डर, कंस्ट्रक्टर है या कोई बड़े बिजनेसमैन है, वहाँ पावर मिल जाती है आपको। इवन अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो आप जहाँ काम करते हैं, जो भी आपका ऑफिस है, वहाँ पे आप स्पेशली कंट्रोलिंग नेचर में देखे जाते हैं। और अगर आपको कंट्रोल नहीं मिला है लाइफ में, अगर फैमिली में कंट्रोल नहीं मिला, अपने काम में कंट्रोल नहीं मिला है, तब आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप ऑर्डर देने वाले हैं, आपको ऑर्डर लेना पसंद नहीं आता है, ठीक है? नंबर 9 का जो मेन इफेक्ट है वो है पावर या फिर कंट्रोल, मेरे हाथ में कंट्रोल है। सो आपके लिए जो बेस्ट रेमेडी रहने वाली है वो ये है कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, इतनी एनर्जी है जो किसी नंबर में नहीं आती है, 1 से लेकर 8 तक। आपके अंदर वो सारी एनर्जी भरी हुई है। मंगल ए फायरी प्लैनेट है, रेड कलर होता है, रेड हमेशा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, रेड डेंजर को भी रिप्रेजेंट करता है। सो पहली रेमेडी जो है, जिम जाओ, योगा करो, कुछ ऐसी एक्टिविटी फिजिकल करो जिससे कि आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाए। जब ये एनर्जी ड्रेन आउट होगी तब आपका माइंड अच्छे डिसीजंस लेने में, अपने काम में और ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम करने में लगेगा, और आप अपने रूलिंग प्लैनेट मार्स से उतनी ही ज़्यादा कनेक्ट होगे। सो आपको हमेशा किसी ना किसी फिटनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ है, कई बार आपको एंग्री देखा गया, और स्पेशली अगर आप ज्योतिष में मांगलिक हैं तो, और ऊपर से नंबर 9 है तो हो आपके गुस्से से तो भगवान ही बचाए, ठीक है? तो आपको ठंडी चीज़ें या फिर आपको मोती, सिल्वर का मोती पहन लेना चाहिए आपको, ठीक है? ठंडी चीज़ें खानी चाहिए, कंज्यूम करनी चाहिए, ठंडी जगहों पे घूमना चाहिए, ये रेमेडी है आपके लिए। सो आई होप 1 से लेकर 9 तक की सभी रेमेडीज़ आपको बेहतर समझ में आई होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैंने जो रेमेडीज़ आपको ध्यान में रखकर सजेस्ट करेंगी, आप बहुत आसानी से अपने घर में बैठे इनको कर लीजिए। इसी तरह की एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोज़ पाने के लिए एस्ट्रोनॉमी पंडित यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।